शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज अब कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसे देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कॉटन से। रूपा जी देख रहे हैं कि M6 कॉटन करेक्शन के साथ तो ट्रेड कर रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 38,000 के ऊपर सस्टेन है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉटन 40,000 के भी स्तर दिखा सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेड है तेजी बन सकती है, लेकिन उससे पहले करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि यह होना, अगर मार्केट में करेक्शन बढ़ती है तो वापस बाजार काफी नीचे जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये करेक्शन कहाँ तक जाती है, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वायदा बाजारों की मैं बात करूं जो 38,000 के आसपास चल रहा है, ये एक बार 37,800 से लेकर नीचे में 37,200 तक नीचे मार्केट लुढ़क सकता है, यानी कि करंट लेवल से 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि लेवल ऑलरेडी काफी ऊपर है, अच्छे लेवल्स है, अच्छा दाम मिल रहा है, अभी हम मंडियों में भी देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रोडक्शन का सिनेरियो है उसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है, लेकिन अब यहाँ पर ईज ऑफ होता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमतें नीचे लुढ़क सकती हैं। मुझे लगता है कि कॉटन में एक बार तेजी जितनी आनी थी आ चुकी है, एक करेक्शन आ सकती है। अब वो करेक्शन कितनी होगी ये देखना होगा। फिलहाल 40,000 का स्तर अब एक बार यहाँ से थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। अगर 38 के ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट तो 40 भी आ सकता है, लेकिन 38,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये गिर सकता है, तो इनफैक्ट नीचे में 37,800 से लेकर 37,600 का लेवल एक बार डाउनसाइड में देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर अब कपास खली की, तो कपास खली में आपको क्या लगता है, क्योंकि कल तो हमने कपास खली में देखा था कि जो कीमतें हैं 3297 तक तो गई थी, लेकिन 3300 का लेवल छू नहीं पाई थी और एक बार फिर से अब 3200 के स्तर पर आ गई है, 0.1% की करेक्शन देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अभी थोड़ी कुछ दिनों के लिए और ऐसी एक सीमित दायरे में रह सकती है? देखिए, एक्सपायरी है, एक्सपायरी के चलते बाजारों में लिमिटेड जो है अपसाइड देखने को मिलेगा और करेक्शन में मार्केट रह सकता है, क्योंकि पोजीशन स्केयर ऑफ होंगी तो इस वजह से थोड़ा सा दबाव बन सकता है। और अगला महीने का अगर हम वायदा देखें वो काफी सपोर्टिव लग रहा है मुझे यहाँ से, उसमें गिरावट भी आज के कारोबारी सत्र में करंट वायदा से कम देखने को मिल रही है और वो सस्टेन भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, 1 से 2 दिन की और हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले। 18 को एक्सपायरी के बाद बाजारों में अगेन तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, इनसे बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम 11,978 पर ट्रेड कर रहा है, 11,995 का हाई लगा चुका है। और बात करें यहाँ से अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में भी देख रहे हैं कि 6379 पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। रूपा जी, ग्वार में देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी उठापटक देखने को मिल चुकी है। हमने ग्वार में 12,000 का भी लेवल आते हुए देखा, फिर निचले स्तर भी लगे, फिर ऊपरी स्तर पर रेंज बाउंड भी मिली। ये जो वॉलेटिलिटी रूपा जी ग्वार में देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसे में ग्वार में निवेश करना सही रहेगा या फिर अभी ग्वार से दूरी बनाएं? देखिए, अभी ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल और टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है और लगातार 10,000 के ऊपर सस्टेन है, तो कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, इन लेवल्स पर बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकती है, क्योंकि अगर करेक्शन बढ़ी तो 10,000 तक मार्केट लुढ़क सकता है। तो करेक्शन के अंदर बाइंग करना है, फ्रेश पोजिशन लेने से बचना चाहिए और जो नई जो ऑलरेडी पोजिशन जिनकी खड़ी है उनको आप होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 11,000 के ऊपर है आज भी। जीरे की बात करें तो जीरे का मार्च वायदा 21,000 से लुढ़का है, अब 20,950 पर ट्रेड कर रहे हैं। जीरे में हल्की सी मुनाफा वसूली आई है और हल्दी का अप्रैल वायदा 9,800 पर है। रूपा जी, मसालों में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से कुछ जो कीमतें हैं कुछ करेक्शन आई है उनके अंदर, ऐसे में आपको क्या लगता है ऊपरी स्तरों पर मसालों की कीमतों का सस्टेन होने में अभी कितना समय लग सकता है?
देखिए अभी बाजार जो है ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए जरूर दिखाई दिए हैं, प्रॉफिट बुकिंग है और एक्सपायरी है तो इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन का माहौल है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो जीरे का भी प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 30% से लेकर 40% के आसपास कम बताया जा रहा है, धनिया की भी क्रॉप कम है तो इस वजह से प्राइजेस के ऊपर सपोर्ट तो है और अभी थोड़ा सा करेक्शन में जा सकता है मार्केट क्योंकि लंबी तेजी हमने आती हुई देख ली है, धनिया भी काफी ऊपरी स्तरों पर है और जीरा भी अपने लाइफ टाइम हाई पर, अभी अगर कहें अभी काफी कुछ सालों से हमने जीरे को एक रेंज बाउंड देखा था तो उसने अपने ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, हल्की करेक्शन है लेकिन करेक्शन के बाद एक बार फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे निकल रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड अच्छी है तो मुझे लगता है कि वापस से मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, 1 से 2 दिन गिरावट रह सकती है लेकिन बाजारों में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हर करेक्शन के अंदर मसालों में खरीदारी करके चला जा सकता है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि 6800 के ऊपर ट्रेडिंग दर्ज की जा रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कैसे ने जो 7000 का लेवल दिखाया था तो क्या उसके बाद अब यहाँ पे कैसे सीड थोड़े समय के लिए ही सही, क्या इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है? देखिए कैस्टर बिल्कुल फंस गया है, अभी जो तेजी 7000 के ऊपर आई थी हमने देखा इसको टच करते हुए फरवरी में, जबकि मार्च में वो लेवल अभी हमने देखे नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मार्च में वो लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे में 6780 के आसपास मार्च वायदा में सपोर्ट है और ऊपर में 7000 का स्तर एक्सपेक्टेड है, एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है कि मार्च वायदा में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी बात करें यहां से अगर सोयाबीन की, तो बीते कारोबारी सत्र में हमने सोयाबीन को 6750 पर ट्रेड करते देखा था, रूपा जी देख रहे थे कि जहां पर सोयाबीन सीमित दायरे में कारोबार कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि सोयाबीन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, अब देख रहे हैं कि सोयाबीन लगातार तेजी की ओर जाती हुई नजर आ रही है, 6750 का हाई लगाया था कल के कारोबारी सत्र में सोयाबीन ने और आज भी देख रहे हैं कि जो US सोयाबीन वायदा है, अमेरिकी सोयाबीन वायदा, वो $1560 के ऊपर सस्टेन है, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में सोयाबीन ये भी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी? देखिए सोयाबीन में बिल्कुल तेजी बनती हुई नजर आएगी और रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ सकते हैं और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स आपको 15 से 20 दिन में देखने को मिले क्योंकि बाजार ओवरऑल फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और अभी डोमेस्टिक मार्केट में उतना डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है लेकिन आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि डिमांड पिकअप हो सकता है और कीमतें 7000 के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती हैं जी। रूपा जी इनसे बात करें अगर दालों की पल्सेस की, तो हाल ही में खबर निकल के सामने आई है कि सरकार ने मूंग के आयात को रोक दिया है, उसको प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है और ये बोला है कि सिर्फ उसी दाल का आयात हो सकेगा जिसका जो बिल है, जो लदान बिल और जो सौदा है वो 31 मार्च से पहले का हो रखा हो, ऐसे में आपको क्या लगता है क्योंकि IPGA की तरफ से बयान आया है कि इस बार मूंग की क्रॉप कम है और सरकार ने जो आयात रोका है उससे कीमतों में आगे तेजी दर्ज की जा सकती है, तो किसानों को तो थोड़ी राहत है लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, ऐसे में आपको क्या लगता है मूंग का आगे बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए जिस तरीके से इंपोर्ट को बाधित किया गया है हो सकता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ कीमतों के ऊपर दिखाई दे, कीमतों को क्योंकि प्राइसेस काफी नीचे चल रहे थे इस वजह से सपोर्ट देने के लिए ऐसा सामंजस्य बिठाया गया है कि जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे और मुझे लगता है कि अगर इसका इम्पैक्ट आएगा तो थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है और मूंग की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी दालों में ये भी खबर निकल के सामने आई है कि खाद्य मुद्रा स्फीति को पर काबू पाने के लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाली दाल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है, वहीं अमेरिका से आने वाली दाल पर शुल्क को 30% से घटाकर 20% कर दिया है। रूपा जी जहां पर ऑस्ट्रेलिया कनाडा से आने वाली दाल पर आयात शुल्क शून्य हुआ है, वहीं अमेरिका से आने वाली दाल पर आयात शुल्क में कटौती की गई है 10% की, 30% से घटाकर 20% कर दिया गया है, तो इसका असर दालों के बाजार पर कितना देखने को मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल मिला जुला रुझान हो सकता है कि देखने को मिले जिस तरीके से शुल्क में कटौती की गई है कि वहां से दालें जो है वो सस्ते दामों पर यहाँ पर अवेलेबल कराई जा सके, इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कितना इम्पोर्ट वहां से किया जाता है और यहाँ पर क्रॉप कैसी रहती है इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में इस खबर का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आज के लिए आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है?
देखिए मुझे लगता है कि आज कैस्टर में मार्च वायदा में तेजी का रुझान बना रह सकता है, उसमें बाइंग में रहा जा सकता है और ग्वार में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। ग्वार भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से आज 500 से 700 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एम सीवी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।